पटना विश्वविद्यालय में आए दिन लापरवाही को लेकर छात्र आंदोलन करते दिखते हैं और आज भी पटना विश्वविद्यालय के गेट के अंदर घुस के कार्यालय में जबरदस्ती जेडीयू छात्र समागम के छात्रों ने नारेबाजी करते हुए पूरा जो कॉलेज का कार्यालय है उसको बंद कराया गया और इनका कहना है कि पटना आर्ट कॉलेज में कई छात्रों का परीक्षा परिणाम रोक दिया गया है और इसी चीज को लेके इनका विरोध है और यह कहा जा रहा है कि आर्ट कॉलेज में गड़बड़ी है उसके लिए जिम्मेवार कौन है। इन तमाम चीज को लेके यह यूं कहा जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले तमाम कॉलेजों में पढ़ाई कम और अक्सर इस तरह के नमूने दिखते रहते हैं, लिहाजा कई छात्रों की समस्या होती है तो वहीं कई छात्र परीक्षा देने से पढ़ाई करने से मरहूम हो जाते हैं। हमारे साथ बहुत सारे छात्र हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, किस चीज को लेकर आज आप लोग का विरोध चल रहा है। हम लोग विगत 15 या 20 दिनों से लगातार वाइस चांसलर को, कंट्रोलर को और प्रॉक्टर महोदय को, सबको हमने ज्ञापन दिया इस मामले को लेकर के। मामला यह है कि आर्ट कॉलेज में 11 छात्रों को प्रमोशन हुआ, प्रमोटेड हो गए, उसमें उनका पुनः परीक्षा लेने का नियम कहता है लेकिन उनका पुनः परीक्षा नहीं लिया गया, इस कारण से उनको थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन नहीं दिया गया है, जिस कारण उनको एक साल का बैक लगेगा। और एक संशोधन जो कि रेगुलेशन में था, वो राजभवन जाना था 2 साल पहले, अभी तक वो भाईसी सीमाद्री सर के ऑफिस में अटका हुआ है और ये बताया गया कि 2 साल पहले हमने राजभवन भेजा है। अब आपकी मांग क्या? मांग यह है कि तत्काल उसमें जो रेगुलेशन के तहत पुनः परीक्षा लेने का जो 10 दिनों के अंदर नियम है उसको पूरा किया जाए और छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उनको बंद किया जाए। आए दिन बीवी के गेट में तालाबंदी करवा के आप लोग जिसे विरोध करते हैं, इससे कितना लाभ आपको होगा? ऐसा नहीं होता है कि जो दूसरे छात्र होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है इस तालाबंदी से? तालाबंदी हमारा, जब हम पूरी तरह से अस्वस्थ नहीं रहते हैं कि इनका कोई मांग नहीं पूरा हो रहा है, बीसी समाधरी साहब का अभी भी गेट बंद है, 11-12 बज चुके हैं अभी तक वो नहीं आए हैं और ये छात्रों से लेकर के कर्मचारी से लेकर के किसी पदाधिकारी से बात करने से पहले बोलते हैं बात नहीं करेंगे, कुत्ता समझते हैं हम लोगों को। एक बार इनका बयान भी हम लोगों के खिलाफ आया था, जब छात्र सब चीज त्याग देता है तो एक आंदोलन हमारा जरिया बचता है, डेमोक्रेटिक तरीके से हम अपनी मांग को रखते हैं और विश्वविद्यालय बंद करने से हमें भी दिक्कत होती है लेकिन उन दिक्कतों को सहते हुए भी हम लोग कम से कम जो छात्रों का एक साल बर्बाद हो रहा है उसके लिए हम कोऑपरेट करते हैं। और लाख नुकसान के बाद भी छात्र मजबूर है कि उन्हें कॉलेज में तालाबंदी करना पड़ता है, कक्षाएं अवरुद्ध करनी पड़ती हैं, छात्राएं भी ऐसे बात करते हैं। क्या लगता है कि इस तरह बंद कराने से कितनी दिक्कत दूसरे छात्राओं को होगी या आपको भी होती है? हम लोग को खुद ही बहुत दिक्कत होता है लेकिन हम लोग थक हार के करते हैं, ऐसा नहीं कि पहला दिन आए और धरना में बैठ गए, ये तो हम लोग एकदम लास्ट दिन कहते हैं कोई रास्ता नहीं बचा तब करें, अब अपना साल बचाना है तो करनी पड़ेगा करियर बचाने के लिए, अपने करियर को बचाने के लिए इस तरह के विरोध पटना विश्वविद्यालय पे आए दिन होते रहता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर पटना विश्वविद्यालय इस तरह से क्यों करता है, क्यों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है? हालांकि जब छात्र आते हैं तो विरोध होता है और तमाम कार्यालयों को छोड़ के जो अधिकारी और पदाधिकारी होते हैं बाहर आ जाते हैं, ऐसे में क्या इन छात्रों की आवाज कौन सुनेगा? सहयोगी संजय और दीपा के साथ गणेश सम्राट, जेके न्यूज नेटवर्क, पटना।